अध्याय कौन विंशो अध्याय सूर्यादि ग्रहों की स्थिति का निरूपण करके जन आदि लोकों का वर्णन। सनत कुमार उवाच। गारे गा सा गारे गा नी मा धा नी सा रे गा मा रे गा मा रे गा रे सा गारे गा सा गारे गा नी ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमो नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमो सूर्यावत् मयूखा भसयन्ति तावत् प्रमाण पृथिवी गुणकः सद्गीयते। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जहाँ तक सूर्य एवं चंद्रमा की किरणें प्रकाश करती हैं, वहाँ तक पृथ्वी है, उसी को भूलोक कहा जाता है। भूमयो जनरक्षेतु संस्थितं प्रविमण्डलम् योजनानां सहस्राणि सदैव परिसंख्यया शशिनस्तुपमाणाय जगतः परिचक्षते रवेरुर्ध्वशीतस्थ लक्ष्यो जनसंख्यया। पृथ्वी से 100,000 योजन की दूरी पर सर्वदा 1,000 योजन के घेरे में सूर्यमंडल स्थित है। अब संसार में चंद्रमा के प्रमाण की स्थिति कही जा रही है। सूर्यमंडल से 100,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा स्थित है। मंडलम कृष्ण विधुरु संस्थितम सनक्षत्रम सहस्राणि दशैव परितोपरि बुधस्तस्मदतो काव्य तस्मात् भौमस्य मण्डलम् बृहस्पतिस्तथोर्वं तु तस्योपरिशनेश्वरः सप्तशीमण्डलम् तस्मात् दक्षिणकिरसंस्थितम् कृषिभ्यस्तु सहस्राणां शताधूर्वन्धुवः स्थितः। चंद्रमा के ऊपर 10,000 योजन की दूरी पर चारों ओर नक्षत्रों के सहित ग्रह मंडल स्थित है। उसके आगे बुध, उसके आगे शुक्र और उसके ऊपर भौम मंडल है। फिर उसके ऊपर बृहस्पति और उसके ऊपर शनेश्वर स्थित है। उसके 100,000 योजन दूरी पर सप्तर्षि मंडल है और सप्तर्षियों से 100,000 योजन ऊपर ध्रुव स्थित है। यह ध्रुव समस्त ज्योतिष चक्र का मेणीभूत अर्थात केंद्र होकर स्थित है। पृथ्वी के ऊपर तथा ध्रुव के नीचे भूर्लोक, भुवरलोक तथा स्वरलोक स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। सनकस्य सनन्दस्य तृतीयस्य सनातनः कपिलश्च सुरेश्चैव गुरु पञ्चशिखस्तथा। ध्रुव के ऊपर 1 करोड़ योजन पर महरलोक है, जहाँ ब्रह्मा जी के कल्पांतवासी सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोड़ु एवं पंचशिख ये 7 पुत्र निवास करते हैं। उपरिष्टतः शुक्रो विलक्षाभ्यन्तरे स्थितः द्विलक्षयोजनं तस्मात् तदा सोमसुतः स्मृतः द्विलक्षयोजनं तस्मात् ऊर्ध्वं भौमस्थितमुने द्विलक्षयोजनं तस्मात् ऊर्ध्वं जीवस्थितगुरुः द्विलक्षयोजनं जीव ऊर्ध्वं सौरव्यवस्थितः एते सप्त ग्रहाः प्रोक्ताः स्वस्वराशो व्यवस्थितः। उसके ऊपर 200,000 योजन पर शुक्र स्थित है। शुक्र से 200,000 योजन नीचे चंद्रमा पुत्र बुध बताया गया है। हे मुने, उससे 200,000 योजन ऊपर मंगल स्थित है और उससे 200,000 योजन ऊपर गुरु बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 200,000 योजन ऊपर शनिश्चर स्थित है। ये 7 ग्रह अपनी अपनी राशियों पर स्थित रहते हैं।
रुद्र लक्षर्योजनातः सप्तोर्ध्वम् ऋषयः स्थितः विश्वलक्षर्योजनातो ध्रुवस्थितिरुदात्ता चतुर्गोरथरे चार्ध जनलोकतपः स्मितम् वैराजायत्र देवावे स्थितादा अभिवर्जितः। उनसे 11 लाख योजन ऊपर सप्तर्षि स्थित है और उनसे 10 लाख योजन पर ध्रुव की स्थिति बताई गई है। जनलोक से आगे 4.5 गुनी दूरी पर तपलोक कहा गया है, जहां पर वैराज देवता ताप रहित होकर रहते हैं। सत्य धर्म रताश्चय ज्ञानिनो ब्रह्मचारिणः यत्कामिनोथ भूलोकान् निवसन्ति मानवः। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है, उसे ब्रह्मलोक जानना चाहिए। यहाँ पर निर्मल आत्मा वाले लोग रहते हैं और भूलोक से ब्रह्मलोक जाने वाले सत्य धर्म तत्पर ज्ञानी तथा ब्रह्मचारी मनुष्य निवास करते हैं। मुनयो देवरूपिणः स्वर्गलोके सुरादित्य मरुतो वसुभोष्विनौ विश्वे देवस्तथा रुद्र तात्यानागः गदयः नवग्रहस्ततस्तत्र ऋषयो हितकल्मषः। भूवरलोक में सिद्ध तथा देव स्वरूप मुनि रहते हैं। स्वर्गलोक में देवता आदित्य मर्दगण वसुगण दोनों अश्विनी कुमार विश्वदेव रुद्र साध्य नाग नक्षत्र आदि नवग्रह तथा निष्पाप ऋषि गण निवास करते हैं। एते सप्त महालोका पालीय कथितास्तव पातालानि च सप्तैव ब्रह्माणस्य च विस्तरः दधि वृक्ष फलम् यत्त्वा दिगुणोत्तरवेष्टितः महान्तं च समावेत्य प्रधानं पुरुषस्तुतः। हे व्यास जी, मैंने इन सातों महालोकों का, सातों पातालों का तथा ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन आपसे किया। जिस प्रकार कैथ का फल ऊपर नीचे चारों ओर से आवृत रहता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी अंड कटाह से सभी ओर घिरा हुआ है। यह 10 गुने जल से, तेज से, वायु से, आकाश से एवं अंधकार से चारों ओर से व्याप्त है। ये महाभूत आदि के सहित महत तत्व से भी 10 गुना घिरा हुआ है और इस प्रधान महत तत्व को घेर कर पुरुष स्थित है। संख्या परमात्मनः इति प्रमाणम् अस्ति वेयतः। उन अनंत परमात्मा की कोई संख्या नहीं है और उनका परिणाम भी नहीं है, अतः वे अनंत कहे गए हैं। केतु भूतः समस्तस्य प्रकृतिः सा परमुने अण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च ईदृशान प्रभूतानि तस्मादव्यक्त जन्मनः तारुण्यग्निस्थिनेतैनं वयसूचयता घृतं तथा स परमात्मा वै सर्वं व्याप्यात्मवेदनः आदिबीजात् प्रसूवते ततस्तेभ्यः परिण्डजः तेभ्यः पुत्र सथान्येषां बीजान्यानि वैततः महदादि विशेषान्तस्तद्भवन्ति सुरादयः।
वे सबके कारण हैं और परा उनकी प्रकृति है। इस प्रकार के हजारों लाखों ब्रह्मांड समुदाय उन अव्यक्त परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार काष्ठ में आग, तिल में तेल तथा दूध में घी व्याप्त रहता है, उसी प्रकार वे आत्मवेत्ता परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित है। सृष्टि आदि बीज से होती है, उसके बाद उनसे अंडज होते हैं, फिर उनसे पुत्रादि होते हैं, पुनः उनसे अन्य उत्पन्न होते हैं, उसके बाद उनसे महत से लेकर विशेष पर्यंत तत्व उत्पन्न होते हैं, उसके बाद देवता आदि की उत्पत्ति होती है। सूर्य कांत मणे सूर्य प्रजयते तत्व संचयते सृष्टि शिवस्तत्र न कामये शिव शक्ति समायोगे देवत्य प्रभवन्ति तथा स्वकर्मणैकेन प्ररोहमुपयान्ति वै ब्रह्मा विष्णु च रुद्रश्च स शिव परिगीयते तस्मादुद्धरते सर्व यस्मिंश्च लयमीष्यति कर्ता क्रियाणां सर्वासां स शिव परिगीयते। जिस प्रकार बीज से वृक्ष था, वृक्ष से बीज होता है और इससे वृक्ष की हानि नहीं होती है, जैसे सूर्य के संयोग से सूर्यकांत मणि द्वारा अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार परमात्मा के संयोग से सृष्टि होती है, उसमें शिव की कोई कामना नहीं है। शिव तथा शक्ति का समायोग होने पर देवता आदि उत्पन्न होते हैं, वे अपने एकमात्र कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। वे शिव ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र रूप में कहे जाते हैं, उन्हीं से सारा जगत उत्पन्न होता है और उन्हीं में लय को भी प्राप्त होता है। वे शिव ही सभी क्रियाओं के कर्ता कहे जाते हैं। व्यास उवाच। सनत कुमार सर्वज्ञ सिंधि में संशयम महत् संति लोका ही ब्रह्मांड दुपरिष्टनुवामुने। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, मेरे इस महान संशय को दूर कीजिए। हे मुने, ब्रह्मांड के ऊपर अन्य कोई लोक है अथवा नहीं? सनत कुमार उवाच। ब्रह्मांड दुपरिष्टाच संति लोका मुनीश्वर काष्ठेणोत्तम विशेषेण वाच्मीते हम स्वागतः। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, ब्रह्मांड के ऊपर भी लोक हैं, उन्हें विस्तार पूर्वक आप सुनिए। यहाँ आया हुआ मैं आपसे उनका वर्णन कर रहा हूँ। विधि लोक परो लोक वैकुंठ इति विश्रुतः विराजते महादित्य यत्र विष्णु प्रतिष्ठितः तस्योपरिष्टतो मारु लोको हि परमात्मतः सेनानि शम्भुतानाय राजते यत् सुप्रभः ततः परं मालोको महादिव्यो विराजते यत्र शक्तिर्विभाति का त्रिदेव जननी शिवा परात्परहि प्रकृति रज सत्वतमोमयी निर्गुणा च स्वयं देवी निर्विकार शिवात्मिका। ब्रह्मलोक से ऊपर श्रेष्ठ वैकुंठ नामक परम दीप्ति युक्त लोक विराजमान है, जहाँ विष्णु निवास करते हैं। उसके ऊपर अत्यंत अद्भुत कौमार लोक है, जहाँ महातेजस्वी शंभुपुत्र कार्तिकेय निवास करते हैं। उसके ऊपर परम दिव्य उमालोक विराजमान है, जहाँ तीनों देवताओं की जननी एकमात्र महाशक्ति शिवा विराजती है। वे देवी शिवा स्वयं परात्पर प्रकृति सत्वरज सत्तमोगुण सत्वरज तमोमयी निर्गुण निर्विकार एवं शिवात्मिका है। शिवलोक सनातन अविनाशी महादिव्य महाशोभित सदा विराजते परम ब्रह्म यत्र शंभुर्महेश्वर त्रिदेव जनक स्वामी सर्वेषां त्रिगुणात्मर। उसके ऊपर सनातन अविनाशी परम दिव्य तथा सर्वदा महान शोभा से युक्त शिवलोक को जानना चाहिए, जहाँ तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले सत्य स्वामी तथा त्रिगुणातीत परब्रह्म महेश्वर निवास करते हैं। तत ऊर्ध्वन लोकाश्च गोलोकस्थ समीपतः गोमातर सुशीलाख्यस्तत्र संति शिवप्रियः। उसके ऊपर कोई भी लोक नहीं है, उसके समीप में गोलोक है, जहाँ पर सुशीला नाम वाली शिवप्रिया गोमाताएं निवास करती हैं।
तत्पाल कृष्ण नामा ही राजते शंखराज्ञया प्रतिष्ठित शिवे देव शक्त्या स्वच्छंद चारुणा। उन गांवों का पालन करने वाले श्री कृष्ण शिव जी की आज्ञा से वहां निवास करते हैं। परम स्वतंत्र शिव जी ने ही अपनी शक्ति से वहां उन्हें प्रतिष्ठित किया है। शिव लोकोद्धतो व्यास निराधारो मनोहर तथा निर्वचनीय नाना वस्तु विराजित शिवस्तु तदधिष्ठाता सर्वदेव शिरोमणि विष्णु ब्रह्मा सेव्य परमात्मा निरंजन इति ते कथिता सर्वब्रह्मण्ड संस्थिति तदुर्ध्वं लोक संस्थान किमन्यच्छतुमिच्छसि। हे व्यास जी, वह शिवलोक अद्भुत निराधार मनोहर अनिर्वचनीय तथा अनेक वस्तुओं से सुशोभित है। सभी देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु हर से सेवित परमात्मा तथा निर्विकार शिव जी उस लोक के अधिष्ठाता है। हे तात, इस प्रकार मैंने सारे ब्रह्मांड की स्थिति तथा उसके ऊपर स्थित लोकों का वर्णन क्रम से कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम लोक वर्णनम नामकोन विंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत पांचवी उमा संहिता में लोक वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।